राफेल पर बीजेपी ने उछाला रॉबर्ट वाड्रा का नाम, कहा वाड्रा के दोस्त हथियार सौदागर संजय भंडारी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस बना रही है मुद्दा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत का आरोप, यूपीए सरकार वाड्रा के दोस्त की कंपनी को दसौट का पार्टनर बनाना चाहती थी, इसी वजह से रद्द हुई थी राफेल डील। संजय भंडारी की कंपनी और उसके कारण से जो व्यावसायिक हित रॉबर्ट वाड्रा जी के जुड़े हुए थे उनको लेकर के, उन हितों को लेकर के उस समय देश के रक्षा हितों के साथ में समझौता किया गया। देश की रक्षा की कीमत पर उन्होंने इस डील को कैंसिल कराने का षड्यंत्र किया है। कांग्रेस के आरोप में बीजेपी को नजर आई अंतर्राष्ट्रीय साजिश, कहा क्या पीएम मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन बना रही है कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल पर बड़ा आरोप, कहा पाकिस्तान के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। संबित पात्रा ने दिया पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक के ट्वीट का हवाला, मलिक ने कहा था राहुल से डरते हैं मोदी, राहुल होंगे अगले प्रधानमंत्री। राहुल इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट पीएम एंड वॉच हिज एक्सलेंट वीडियो आई हैव जस्ट पोस्टेड फॉर ऑल ऑफ यू। राहुल के लिए वहां से भी, राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के अनेक मंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं। संबित पात्रा पर रणदीप सुरजेवाला का पलटवार, कहा बीजेपी को याद आता है पाकिस्तान। अमेठी में राहुल गांधी ने फिर दोहराई राफेल पर जेपीसी जांच की मांग, सरकार ने ठुकराई मांग। राहुल गांधी ने फिर ट्वीट कर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा, लिखा कमांडर इन थी। सीवीसी से मिला कांग्रेस नेताओं का दल, राफेल डील पर एफआईआर दर्ज कर तुरंत जांच की मांग की। ये सबसे बड़ा शताब्दी का घोटाला है लड़ाकू विमान खरीद का। कांग्रेस के वार पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा राफेल पर कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का सरकार देगी माकूल जवाब। राफेल सौदे को लेकर जम्मू में कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना और डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कहा पाकिस्तान को मुद्दा दे रहे हैं राहुल। राफेल पर इलाहाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद के घर चूड़ियां फेंककर प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, आज तक से बोले आतंकियों के खिलाफ दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। एक और कार्रवाई की जरूरत तो मैं मानता हूं है, लेकिन कार्रवाई किस तरह की जाए वो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। जनरल बिपिन रावत ने कहा जब तक पाकिस्तान सरकार पर सेना और आईएसआई का नियंत्रण रहेगा हालात नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नया बयान, बातचीत के प्रस्ताव को हमारी कमजोरी न समझे भारत। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बातचीत रद्द होने को राफेल से जोड़ा, कहा ध्यान भटकाने के लिए बातचीत टाली। सिक्किम को मिला पहला एयरपोर्ट, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, देश को मिला 100वां एयरपोर्ट। सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है ये एयरपोर्ट, चीन सीमा से महज 60 किलोमीटर की दूरी। हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर हमला बोलते देखे, कहा 67 साल में बने 65 एयरपोर्ट लेकिन हमने 4 साल में बनाए 35। किसी काम को पूरा करना होता तो शायद वो 40 साल और लगा लेते जो हमने 4 साल में करके दिखाया है। राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर मानसरोवर यात्रा की छाप, बम बम भोले के घोष के साथ भव्य स्वागत, अमेठी में शिव भक्त राहुल के पोस्टर लगे। राहुल के अमेठी दौरे को राज बब्बर ने मानसरोवर यात्रा से जोड़ा, कहा हिंदू धर्म में है परंपरा, तीर्थ स्थल से लौटकर अपने गृह जनपद जाते हैं लोग। एसपीजी प्रमुख की नियुक्ति में आरएसएस के कथित दखल के राहुल गांधी के आरोपों को गृह मंत्रालय ने खारिज किया, कहा नियुक्ति में कोई दखल नहीं। गोवा में परिकर मंत्रिमंडल में फेरबदल, बीजेपी विधायक नीलेश कैबरल और मिलिंद नायक ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। नीलेश और मिलिंद ने ली फ्रांसिस डिसूजा और पांडुरंग मडकईकर की जगह, खराब स्वास्थ्य की वजह से दोनों का इस्तीफा लिया गया। कांग्रेस ने स्वास्थ्य कारणों से दो मंत्रियों को हटाने को बताया दिखावा, कहा सीएम परिकर की हालत ज्यादा खराब। कल भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करेंगे शिरकत, 13 लाख कार्यकर्ता होंगे शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत,
बोले उड़ीसा में गरीबी के लिए नवीन पटनायक जिम्मेदार। उड़ीसा में बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी के 200 कार्यकर्ता बीजेडी में शामिल हुए। राजस्थान के फतेहपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा की सभा में विरोध प्रदर्शन से डरी पुलिस, रैली स्थल के बाहर रखवाए गए काले छाते। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 और आतंकियों का खात्मा, 24 घंटे में कुल 5 आतंकियों का सफाया, शनिवार शाम से चल रहा है एनकाउंटर। दिल्ली में 13 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल, आम आदमी पार्टी विधायक अनिल वाजपेयी के घर पर कर्मचारियों ने घेराव किया। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर केंद्र सरकार का विरोध। पेट्रोल डीजल की कीमत पर ठाणे में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पीएम मोदी के नाम की आरती की। इटावा में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन, पुलिस और बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी का पिंडदान किया। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने की उम्मीद, कोर्ट के एडवांस लिस्ट के अनुसार मामला सूचीबद्ध। पेट्रोल 11 पैसे, डीजल 5 पैसे प्रति लीटर महंगा, मुंबई में आज पहली बार पेट्रोल 90 के पार। दिल्ली में भी तेल की कीमतों में आग, पेट्रोल 82 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, डीजल 74 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के वित्त मंत्रियों की कल मुलाकात, पेट्रोल की कीमतों में वैट कम करने पर फैसला संभव। दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट में कर सकती है 3 से 4% की कटौती, डीजल 1.5 रुपए, पेट्रोल 2 रुपए तक हो सकता है सस्ता। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश से भूस्खलन में दबा घर, 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को जोड़ने वाली 6 सड़कें बंद, कई जगहों पर लैंडस्लाइड से तबाही। मंडी के ब्यास नदी के बीचों बीच फंसे युवक को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, अचानक आए सैलाब में फंस गए। मूसलाधार बरसात के बाद कुल्लू और मनाली में नदियों में आया प्रलय वाला सैलाब, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया। हिमाचल के 12 में से 10 जिलों में जबरदस्त बारिश, नदी नालों में भारी उफान, बरसाती पानी से भारी तबाही। हिमाचल में अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की चेतावनी, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के रामनगर में तेज बहाव में बही वैगनार कार, ट्रैक्टर से खींचकर लोगों ने बाहर निकाला। भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा पर ग्रहण, जगह जगह सड़कों पर आया मलबा, ठप पड़ी यात्रा, अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कहर बनकर टूटी बारिश, पानी में डूबी धान और गन्ने की फसल। भारी बारिश के बाद पठानकोट का रंजीत सागर डैम लबालब, 6000 क्यूसेक पानी रावी नदी में छोड़ा गया। भारी बारिश के चलते फिरोजपुर रेलवे डिवीजन में कई ट्रेनें रद्द, पंजाब में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश। अजमेर में स्कूली बच्चों से भरी बस रेलवे के अंडरपास में जल भराव के बीच फंसी, जेसीबी मशीन से 20 बच्चों का रेस्क्यू। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 3 दिनों से मूसलाधार बरसात जारी, जिले के सभी नदी नाले उफान पर। बारिश के बाद गुरुग्राम का बुरा हाल, सड़कों पर घुटने से ऊपर पानी, यात्रियों को हुई मुसीबत। भारी बारिश से पानी पानी हुआ बेंगलुरु, सड़कों पर दिखा तेज बहाव। मौसम विभाग की केरल में भारी बारिश की चेतावनी, पूरे केरल में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बरसात की आशंका। आज तक की खबर का असर, गोरखपुर के सहजनवा में छेड़खानी के बाद बंद किया गया इंटर कॉलेज, खुला। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर ने खाया जहर, कॉलेज के प्रोफेसर पर परेशान करने का आरोप, हालत गंभीर। संभल में हलाला पीड़िता पर तेजाब से हमला, पीड़िता की हालत गंभीर, पति समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराने पर बर्बरता। मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने पीएम और सीएम को टीईटी परीक्षा पास करने की चुनौती दी, प्रशासन ने किया निलंबित। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज की बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 28 घायल। बिजनौर में होमगार्ड की पिटाई के मामले में आरोपियों की हुई पहचान, 3 आरोपियों के खिलाफ केस। लखीमपुर खीरी में 25,000 के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी, 300 बाइक चोरी करने का आरोप।
वाराणसी में गेस्ट हाउस में मिला संदिग्ध हालत में ब्रिटिश नागरिक का शव, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गाजियाबाद के सियानी गेट में नामी मिठाई की दुकान पर फायरिंग, 2 करोड़ की रंगदारी की मांग में डराने की कोशिश। मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक सवार ने AK-47 से बरसाई गोलियां। साउथ दिल्ली इलाके में एक महिला वकील ने एक शख्स पर पार्क में रेप की कोशिश का आरोप लगाया, आरोपी का वीडियो शूट किया। लंदन से लॉ करने वाली पीड़ित वकील को पुलिस ने घंटों थाने में बिठाया, रेप की कोशिश की शिकायत की खिल्ली उड़ाई, बाद में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली हाईकोर्ट में गाजीपुर की मुर्गा मंडी में जिंदा पक्षियों को काटने पर लगाई रोक, केवल बिक्री कर सकेंगे दुकानदार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ACP रेप के आरोप के बाद फरार, शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप। तमिलनाडु के करूर में मॉब लिंचिंग का मामला, मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को भीड़ ने शिकार बनाया। नन रेप केस में 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए बिशप फ्रैंको मुलक्कल, जमानत याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सूरत पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा, हीरे तराशने वाली कंपनी पर डकैती की साजिश। इंडियन नेवी के अफसर अभिलाष टॉमी को फ्रांसीसी जहाज ने किया रेस्क्यू, गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लेते समय तूफान में फंसे। नोएडा में केंट आरओ सिस्टम लिमिटेड की नई फैक्ट्री का उद्घाटन, श्री श्री रविशंकर और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यूनिट का उद्घाटन किया। 536 अंक लुढ़ककर 36,305 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 175 अंक का गोता लगाकर 10,967 पर बंद। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट जारी, निवेशकों को लगी 8.5 लाख करोड़ की चपत। देसी रिफाइनिंग कंपनियां जल्द घटा सकती हैं कच्चे तेल का आयात, कमजोर रुपए को सुधारने और तेल के दाम काबू करने की कोशिश। कुछ चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार, सोने को रखा जा सकता है दायरे से बाहर। 100 रुपए की मजबूती के साथ 31,550 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 50 रुपए घटकर 38,100 रुपए प्रति किलो। डॉलर के मुकाबले 43 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 का भाव हुआ ₹72.63। फ्लिपकार्ट के ग्रुप CEO बिनी बंसल को पद से हटाने की तैयारी में वॉलमार्ट, नए CEO के तौर पर कल्याण कृष्णमूर्ति सबसे मजबूत दावेदार। महिंद्रा लाएगी TUV 300 और KUV 100 के नए वर्जन, अगले साल होंगी दोनों कारें लॉन्च। भारतीय महिला टीम ने चौथे T20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त। नया सबूत न मिलने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बंद की मोइन अली के आरोपों की जांच, मोइन ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पर लगाया था ओसामा कहने का आरोप। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह होंगे मालदीव के अगले राष्ट्रपति, 58.3% वोट मिले। भारत की तरफ माना जाता है सोलिह का झुकाव, चीन की तरफ झुकाव रखने वाले यामीन हारे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UN में उठाया नशाखोरी का मुद्दा, ग्लोबल एक्शन की अपील की। जिनीवा में पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों का प्रदर्शन, संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग। ट्यूनिशिया के नेबुल प्रांत में भारी बारिश, अब तक 5 की मौत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।